है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरिनाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती शोभा हाथ की हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी महलों में पली अंत जोगन चली महलों में पली अंत जोगन चली मीरा रानी दीवानी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी ओ तो गली गली हरी गुण गाने लगी ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन
ऐसी लगी लगन हीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली मन के जोगन चली, महलों में पली मन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। कबीर साहेब की जय। आइए थोड़ा सा विचार बहुत कम समय में हम श्रवण कर लेंगे हमारे बीच उपस्थित हमारे मित्र योगेश्वर यादव जी से संस्कार से संबंधित अच्छी बातें। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब जी की। उपस्थित सभी आदरणीय जन सबको सादर प्रणाम। अभी आप सब बहुत ही कर्णप्रिय भजन आदरणीय हमारे भजन गायक बड़े भैया गुरुचरण साहू जी, साथ में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय संत जनों के श्रीमुख से एक परिवार के लिए और एक समाज के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बात आप सबको सुनने को मिले। इसी कड़ी में मुझे भी आज के दिवस में कुछ कहने का सौभाग्य मिला
इससे पहले मंच में उपस्थित आदरणीय सभी संतों के पावन चरणों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए, संतों आज नवजात शिशु का नामकरण संस्कार, वैसे तो आजकल नामकरण पहले ही हो जाते हैं, नामकरण निश्चित रूप से भारतीय सनातन धर्म में 16 प्रकार के जो संस्कार है और वो 16 प्रकार के संस्कार में से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। और नामकरण संस्कार के दिन कहते हैं जितने भी संबंधित, जितने भी परिजन, जितने भी आत्मीयजन उपस्थित होते हैं, उन सबका आशीर्वाद उस नवजात शिशु को मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आज निश्चित रूप से इस साहू परिवार में साधु संतों की उपस्थिति में उस नवजात बालिका को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कहते हैं संतान और शैतान, है ना, अधिकांश लोग कहते हैं कि मेरे बच्चा तो बहुत ही शैतान है, सुनने को मिलते हैं। संतान कौन है और शैतान कौन है? संतान किसे कहेंगे? जो माता पिता अपने बच्चे के जो हाथ है उनको संत के हाथ में पकड़ा देते हैं, वही बच्चा संतान कहलाता है। जैसे आज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो माता पिता अपने बच्चे को, अपने बच्चे के हाथ को किनको, संतों के हाथ में पकड़ा देते हैं, वही बच्चा क्या बनता है? संतान बनता है। और जो माता पिता अपने बच्चों को संत के सानिध्य में नहीं ले जाते तो निश्चित रूप से वही शैतान बनता है। बस फर्क इतना है। इसीलिए हम अपने बच्चों को संतों के सानिध्य में ले जाएं, जहां सत्संग होती है, जहां भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, सबसे पहले माता पिता को संस्कारित होने की आवश्यकता है। और बच्चे का संस्कार कब से शुरू होना चाहिए? तो बच्चे का जो संस्कार है 20 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए। एक बच्चे का संस्कार 20 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए। मन में प्रश्न उठेगा कि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है तो हम उसको संस्कार कैसे दें? तो 20 साल कहने का भाव यह है कि माता पिता 20 साल पहले संस्कारित होना शुरू करेंगे तो मान के चलिए उनके जो बच्चे हैं संस्कारवान बनेंगे। प्यारे संतों, आज अधिकांश माता पिता की शिकायत है कि हमारे जो बच्चे हैं हमारी बात नहीं मानते। रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन के विषय में भी बात आती है। उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया, 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो उनकी सगी माँ कौशल्या नहीं बल्कि उनकी सौतेली माँ कैकेयी, उन्होंने कहा कि राम तुमको 14 वर्ष के वनवास दिया जाता है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया। ये राम का चरित्र है। देखिए, ये राम का आदर्श है। जैसे आदरणीय बड़े भैया ने शुरू में व्यक्त किया कि प्रात काल उठे रघुनाथा मात पित गुरु नावई माता, ये उनका संस्कार था और यही संस्कार उनको भगवान बना दिया, यही संस्कार उनको आदर्शवान बना दिया। लेकिन आज हर माता पिता की शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। इसलिए बात नहीं मानते भैया कि हम भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते थे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी हमारे माता पिता की बात नहीं मानेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। वास्तविक में शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा देने वाले बहुत मिलेंगे
लेकिन उनको संस्कार यदि कहीं मिलेगा तो प्यारे संत वो है केवल घर के माहौल से, शिक्षा और संस्कार। शिक्षा कहीं भी मिल सकता है, चौक चौराहे में भी कई लोग शिक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं, स्कूल में भी शिक्षा की बात होती है, लेकिन यदि संस्कार, संस्कार कहाँ, तो बोले प्यारे संत वो केवल और केवल घर के माहौल से, घर में ही संस्कार मिलता है। इसलिए हम घर को अच्छा बनाए, घर को माहौल अच्छा बनाए, और जब घर का माहौल अच्छा बनेगा, घर का परिवेश अच्छा बनेगा, तो निश्चित रूप से प्यारे संतों उनके बच्चे भी अच्छे बनेंगे। आज निश्चित रूप से हम ऐसे घर के निमंत्रण को पाकर आए हैं जिनके घर में निश्चित रूप से एक संत है। आज हर कोई चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, हर कोई चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा मास्टर बने, या और बड़े बड़े जो पद है, प्रतिष्ठा है, नेता है, यह बने। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा जो बच्चा क्या बने, संत बने। लेकिन आज इस परिवार में एक संत और हमारे बीच बैठे भी है संत, निश्चित रूप से संत जो है हमारे लिए ही जीते हैं। संत दरस को जाइए दिन में कई कई बार। जो माता पिता अपने जीवन में संतों को महत्व देंगे, संतों को अपने जीवन में उतारेंगे, संतों के वाणी को श्रवण करेंगे, तो मान के चलिए प्यारे संतों वो परिवार ही अपने आप में एक क्या है, तो एक संगठन की ओर संकेत करते हैं, वो परिवार अपने आप में मजबूत बन जाते हैं। आइए हम उस नवजात शिशु को अपने भजन मंडली पुरवाही भजन संध्या बैंड्री राजीव की ओर से उनको ढेर सारी आशीर्वाद प्रदान करते हैं, एवं उनके माता पिता से हम निवेदन करते हैं कि आप अपने इस बच्चे को अच्छा संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, तो निश्चित रूप से आपके नाम को रोशन करेंगे। ऐसे उस नवजात कन्या के लिए, उस नन्ही सी गुड़िया के लिए हम ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। कहते भी ना कि बोए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियां। इस घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, तो कहते हैं कि बोए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों पर लहलाती है बेटियां, माउंट एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती है बेटियां, पर चढ़ जाती है बेटियां, पढ़ाई करते हैं बेटे पर सफलता पाती है बेटियां, कई तरह से गिराते हैं बेटे पर संभाल लेती है बेटियां। इसलिए कहते हैं कि बेटों से अच्छी होती है बेटियां, बेटों से अच्छी होती है बेटियां। तो इस घर में एक बेटी का जन्म है, एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुए है। आदरणीय भाई साहब और बहन जी को हम ढेर सारी शुभकामनाएं अपने भजन मंडली की ओर से देते हैं, और आप निश्चित रूप से अच्छे इनको संस्कार दें। और कहने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आपके परिवार एक संस्कारित परिवार, और ऐसे संस्कारित परिवार में आपको गर्व और हमको भी गर्व हो रहा है कि आज एक संत के घर में हम सबको भजन करने का सौभाग्य मिला, संतों का सानिध्य मिला। पुनः आप सबको निवेदन प्रार्थना करते हुए आइए पुनः हम भजन से जुड़े। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।